मुझे यहाँ चश्मा दे दो। मुझे एक डोनट चाहिए, क्या आप यह बना सकते हैं? चलो देखते हैं। हाँ मैं करूँगी, मैं तैयार हूँ। ओह, मैं तुम्हारे लिए डोनट बनाना पसंद करूँगी। सबसे पहले मैं इस डोनट मेकर में डो डालूंगी। ठीक है, मैं सभी सेल को भर दूंगी। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और थोड़ा इंतजार करूंगी और मैं अद्भुत रेनबो डोनट्स बनाऊंगी, क्योंकि साधारण डोनट्स बहुत बोरिंग है। मेरा सबसे गुलाबी, सबसे मजेदार और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट होगा। मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, तुम सफल होगी। लेकिन तुम्हारा क्या? बेशक काले डोनट सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन किसी चीज की कमी है, बेशक एक स्वादिष्ट सॉस। थिंग, इसके लिए मेरी मदद करो। चलो। ओके। कितना भयानक है, मुझे इसे डर लगता है। मुझे यहाँ एक कटोरा दो। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस डालने की जगह है और अब मैं इसका उपयोग करूंगी। इस तरह डोनट्स को सजाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यही हमें चाहिए, हमें उन्हें खुश करने की जरूरत है। ओह, यह क्या है? यह लाल लिक्विड कैसा है? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सॉस है। ओह, तुमने मुझे कितना डरा दिया। यह मजेदार था। अब मैं अपने डोनट्स को सॉस और सबसे स्वादिष्ट आइसिंग से सजाऊंगी। सजावट शानदार है, वे सुंदर और स्वादिष्ट है, थोड़े डरावने से। और मेरे सुंदर डोनट्स तैयार है। मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ और उसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। ये क्लासिक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। हाँ, मुझे यही चाहिए। देखो, बहुत अच्छा। देखो मेरे हाथों से बनाए गए डोनट्स को देखो, और जरा मेरे डोनट्स को देखो। मेरा सबसे गुलाबी, बहुत अच्छा डोनट्स, बहुत खूबसूरत है। तुम एक असली कुक हो, मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना चाहती हूँ। ओह नहीं, ये खुल नहीं रहा है। ढक्कन कितने जोर से बंद है, खुलो। अरे नहीं, उफ्स। ठीक है, मैं उन्हें इस तरह छिड़क दूंगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्वादिष्ट है। चलो खाओ डियर, कितना स्वादिष्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार डोनट है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ये काफी स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर भी, मुझे यह पसंद है। यह वैसा है जो मुझे चाहिए। और ये सामान्य साधारण डोनट्स। मुझे लगता है कि मैं यह ट्राई करूंगी। हाँ, वाह, ये सबसे रंगीन इंद्रधनुषी डोनट्स है। इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ। वो बहुत स्वादिष्ट है। सभी डोनट्स काफी अच्छे निकले, लेकिन मैं किसे चुनूं? बेशक ये। क्या मैं जीत गई? मैं बहुत खुश हूँ। यह खुलता कैसे है? मुझे पास्ता चाहिए, इसे मेरे लिए तैयार करो। यह उबलता पानी है, तो मैं जल्दी से यह सबसे स्वादिष्ट पास्ता तैयार करूँगी। यह लगभग तैयार है, मैं बस इसे उबाल लूंगी। मेरे पास यहाँ क्या है? शायद यह गर्म है। थिंग, इधर आओ, और अब तुम मुझे यह पता लगाने में मदद करोगे कि पानी उबल गया है या नहीं। हाँ, धन्यवाद, मैं देख पा रही हूँ यह उबल गया है। थिंग, तुम शायद जल गए हो। नहीं, यह बहुत गर्म था, तो पानी तैयार है। तुम क्या करोगी? मैं शायद पास्ता खुद बनाऊंगी। ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ, लेकिन यह ठीक है, यह थोड़ा मजेदार भी है। यह बेहतर है। मैं आटे को एक बोर्ड पर रखूंगी और एक असली अपने हाथों से बना पास्ता बनाऊंगी। अंडा, नमक डालना जरूरी है। अब मैं यह आटा गूंदने जा रही हूँ। यह आसान नहीं है बेशक, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरे पास सबसे अलग सा पास्ता होगा। मैं छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी और निश्चित रूप से मैं पेंट जोड़ूंगी। हाँ, बस हो गया। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों में पास्ता होगा, सबसे सुंदर पास्ता। अब मैं एक टुकड़ा बनाऊंगी। मेरे पास ये कई होंगे और अब मैं उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दूंगी
और निश्चित रूप से एक ग्रेटर का इस्तेमाल भी करूंगी। यह उन्हें आकार देगा। तो अब पास्ता पैन में जाता है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें चीजें बनाना बहुत पसंद है, तुम बहुत स्मार्ट हो। तो मेरा पास्ता लगभग तैयार है, फिर हमें शायद केचप डालना होगा। ओह, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, मेरा चश्मा। क्या यह केचप है या नहीं? हमें और अधिक निचोड़ने की जरूरत है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करती हूँ, हमें इसे खोलना होगा। पकड़ो। ओह, मुझे लगता है कि मैं पूरे केचप से ढक गई हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से केचप ही है, लेकिन यह मजेदार है। हमें और सावधान रहना होगा। हंसो मत, मैंने अपना पास्ता बनाया, यह इस तरह से बहुत बढ़िया है। यह तैयार हो चुका है, आप प्लेट में। यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गायब है। हींग मेरे लिए लाओ। अब हम इस पास्ता को और खूबसूरत बना देंगे। कटल फिश इंक, मुझे यही चाहिए। काले ने पहले कभी नुकसान नहीं पहुँचाई। मैं अपने पास्ता में इसे मिलाऊंगी। वाह, कितना काला सुंदर पास्ता। बस ऐसा ही चाहिए। केवल एक चीज की कमी है, जो लाल है। केचप मिलाती हूँ, मैं इसे ऊपर से डालूंगी। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह गमी आइस के साथ और भी बेहतर होगा। यह क्या है? यह हमेशा की तरह तुमने क्या किया? और मैंने ऐसा इंद्रधनुष पास्ता तैयार किया है, मैं तुरंत इसे खाना चाहती हूँ। चखो। यह अजीब सी कैसी डिश है, मुझे इसे ट्राई करना है, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती हूँ, यह स्वादिष्ट नहीं लगता। ये घिनौने हैं। और मुझे यह पास्ता चाहिए। यह स्वादिष्ट है, मुझे यह पास्ता खाना अच्छा लगेगा। वाह, यह पास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाह, यह वैसा ही पास्ता है जो मुझे चाहिए। हाँ, यह विनर है। हुर्रे, वाह, मैंने जीत लिया। हमें तैयारी करनी है। मुझे एक ड्रिंक चाहिए, स्वादिष्ट और मीठा। थिंग, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। ओह, ये लगभग गिर गया। वहाँ क्या है? समझ गई, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? ठीक है, तो मैं बहुत सुंदर लेकिन खट्टा कैंडी ले लेती हूँ। वे मेरे आइडियाज को लागू करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं उन्हें सांचों में डालूंगी। एक रंगीन चमत्कार होगा। मैंने उन्हें लिया क्योंकि वे बहुत सुंदर है। वे खत्म हो गए। खैर, कोई बात नहीं, मिचन यहाँ है, मैं उन्हें अवन में रखूंगी। उन्हें थोड़ा गर्म करना जरूरी होगा। हाँ, अब बस हो गया है। और अब मेरी डिश को ठंडा करने का समय है। मैं इसे सांचे से बाहर निकालूंगी। यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। ओह हाँ, ये भव्य कप है, मुझे कुछ चमकीले कप मिले। अब मैं M&M लूंगी और निश्चित रूप से उन्हें रंगों के अनुसार छांटूंगी। यह इस तरह से सुंदर होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं M&M को ड्रिंक में जोड़ूंगी और फिर इसे स्प्राइट से भर दूंगी। क्या मीठा स्वादिष्ट कॉकटेल है। यह क्रीम के साथ भी स्वादिष्ट होगा। यह बहुत कूल है, स्वादिष्ट सुंदर स्प्रिंकल्स के साथ और बस छोटी स्ट्रॉ। हाँ, यह अद्भुत है। मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत ही हेल्दी सेलरी कॉकटेल बनाऊंगी। मैं पूरा एक ले लेती हूँ, मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। ओह चलो, हो जाओ। ओह, ये कितना बेकार ड्रिंक होगा, जिल शायद इसे पसंद नहीं करेगी। तो अब मेरे बच्चे के लिए सबसे हेल्दी कॉकटेल तैयार है, सुंदर और इतने सारे विटामिन। सेलरी का एक टुकड़ा और एक स्ट्रॉ के साथ इसे सजा दिया। ये बहुत अच्छा है ना? नहीं, ठीक, एक ग्लास। मैं एक सही ग्लास लूंगी और निश्चित रूप से इसे स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डेकोरेट करूंगी। मुझे यहाँ क्या डालना चाहिए? शायद स्प्राइट सही रहेगा। बेशक मैं रंग डालूंगी और इसे सही स्ट्रॉ से मिलाऊंगी। ठीक, मदद।
ओ, तुमने मुझे फिर से कैसे डरा दिया? वेंसडे, इसे यहाँ से हटाओ। थिंग, जल्दी करो। सुपर धन्यवाद थिंग। क्रीम सही होगा। वे ब्रेन की तरह है, लेकिन अच्छे प्रभाव के लिए मैं लाल सिरप डालूंगी और ऊपर एक आंख और एक मकड़ी डालूंगी। यह स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। हर किसी का स्वाद अलग है, मेरा ट्राई करो। कितना सुंदर! मैं इस कॉकटेल को ट्राई करूंगी। यो, यह बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। और यह वाला? मैं इसे छूंगी भी नहीं। मैं इसे ले लेती हूँ। कितना स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। ग्लास को भी खा सकते हैं। वाह, ये बहुत खट्टा है, लेकिन ड्रिंक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगता है ये जीत गया। मैं एक और ड्रिंक लेती हूँ। हुर्रे, मैं फिर से जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार क्या है? अब मुझे सलाद चाहिए, इस तरह, प्रोटीन्स के साथ। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें समझ गई। मैं लेटस के पत्तों को ले लेती हूँ और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ओह, तुम मुझे क्या दे रही हो? धन्यवाद, लेकिन अब ऐसे खतरनाक खेल मत खेलो। मुझे इन हरी पत्तियों की जरूरत है। वे बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट है। यह सलाद कमाल का होगा और यह अद्भुत मीट है। इसे भी टुकड़ों में काटने की जरूरत है, बस सलाद के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से सजाऊंगी। मैं सीजर सलाद बना रही हूँ, इसलिए मुझे टमाटर की जरूरत होगी। और क्रूटॉन्स के बिना कैसा सलाद? क्रूटॉन्स वे हैं जो हमें इस तरह एक अद्भुत सलाद के लिए चाहिए। एक बढ़िया स्वाद के लिए थोड़ा चीज, अद्भुत। मैं तैयार हूँ। और तुम? और अब मैं अपना सलाद तैयार करूँगी। मैं ऐसे मजेदार सांचों का उपयोग करूँगी। मैं खीरा, मूली और शिमला मिर्च से अलग अलग आकार बनाऊंगी। हाँ, ये बहुत सुंदर है। और मैं उन्हें स्टिक पर लगाऊंगी। इस तरह से मेरे पास सलाद कबाब होगा। बिल्कुल ऐसा। कितना सुंदर। और मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम क्या बना रही हो। कितना मजेदार। अब मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। ये अद्भुत स्वादिष्ट सलाद का गुलदस्ता निकला और इससे खुशबू भी आ रही है। सुपर। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। ओह, लाल मिर्च, यह एकदम सही रहेगा। मैं तुम्हें काट लूंगी। मुझे इसका बीज निकालकर उसके जगह सलाद डालने की जरूरत है। मैं खीरे को स्लाइस में काट दूंगी। मुझे चाकू बहुत पसंद है। मैं एक बहुत ही सुंदर फनी चेहरा बनाऊंगी। काटो। शायद खूबसूरती से सलाद मॉन्स्टर को एक प्लेट पर रखना है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। इतना खाना? ओ, स्टिक पर ये क्या है? दिलचस्प सलाद। सच कहूँ तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। मैं और क्या खा सकती हूँ? और ये किस तरह के चेहरे है? वाह, काली चीज क्या है? हाँ, ये एक, ओह, ये एक ऑलिव है। ये एकदम बेकार है, भयानक स्वाद। ये किस तरह का सलाद है? चीज और चिकन। हाँ, यह हुई ना बात। यहाँ भी जीता है। हाँ, मैं जीत गई। मैं एक महान कुक हूँ। मुझे स्वादिष्ट अच्छा खाना चाहिए। यह देखो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये पैनकेक्स हैं। ओह, मैं ये बना सकती हूँ। चलो शुरू हो जा। यह डार्क स्पैचुला वही है जो मुझे चाहिए। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है। अब मैं कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाने जा रही हूँ। मेरा स्पैचुला, बढ़िया बैटर। इसे इस तरह पैन में डालना है और निश्चित रूप से इसे पलटना भी है। यहाँ, पहला तैयार हो गया, बहुत अच्छा। अगला, मुझे सफेद पसंद नहीं है। थिंग, मेरा फेवरेट पेंट लाओ। कितनी अजीब बात है। यह बेहतर है, धन्यवाद। मैं थोड़ा डाई डालूंगी और इसे मिलाऊंगी। हाँ, इस तरह से, बढ़िया। अब फ्राइंग पैन। बहुत सुंदर। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एक अलग सा पैनकेक बनाने जा रही हूँ। आउटलाइन। और अब हम अंदर भरेंगे। ओह, क्या गड़बड़ है।
ए, आ, कुछ अटक गया था। उफ। यम्मी। वैसे बहुत स्वादिष्ट है। ओह, और ज्यादा रंग और अब इसे पलट देना है। यह अद्भुत है। मेरे पास सब कुछ तैयार है। चलो थोड़ी सिरप लेते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाओ, काले पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ओह, उसने क्या बनाया है? ओके। लाल एकदम सही है। मैं इसे इस तरह मोटा कर दूंगी और मैं मकरियों के साथ सब कुछ सजाऊंगी। ओह नहीं, हो गया। यह लो, खाओ। मेरे यूनिकॉर्न को ट्राई करो, ये स्वादिष्ट है। किस तरह के पैनकेक्स निकले? देखो, मेरा भी ट्राई करो। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह क्या है? हमें मकरियों से छुटकारा पाना होगा। हाँ, चलो ट्राई करते हैं। मुझे आशा यह खतरनाक नहीं है। और यह स्वादिष्ट निकला। और मुझे अगला यूनिकॉर्न ट्राई करना है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं पूरा खाना चाहती हूँ। यह बहुत अच्छा है। अब मैं ये ट्राई करूंगी। अद्भुत। हाँ, ये सबसे अच्छे हैं। हाँ, मैं जीत गई। मैं अभी इसे खत्म कर रही हूँ। और तुम इसे कैसे संभालोगी? ठीक है। अब सोने का समय नहीं है। थिंग, उसे जगाओ। फ्रेंच फ्राइज, मैं इसे भी तुरंत तैयार कर दूंगी। तो पहले मैं आलू छीलूंगी। कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बहुत बढ़िया। वाह, मैं यह सब कितनी जल्दी करूंगी। उप्स, माफ कर दो। तो सब कुछ तैयार है। बोर्ड पर इसे रख देती हूँ। बस जल्दी इसे काट देती हूँ। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। आलू का एक पूरा पहाड़। और अब इसे इस बाउल में डालते हैं। बहुत सुंदर। चलो अब इसे हिलाते हैं थोड़ा और। वाह, कितना सुंदर रंग है। थोड़ा हरा, पीला, चलो सभी रंग लेते हैं। और अब इसे तला जाना चाहिए। अधिक तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सही। अब इस सारी सुंदरता को फ्राइंग पैन में डालना बाकी है। अब इसे बाहर निकालते हैं। हम इसे खूबसूरती से फैलाएंगे। वाह, मैं एक विशेष चाकू लूंगी। यह कितना सुंदर होगा। स्लाइस में काटना होगा। सब कुछ तैयार है। मैं फ्राइंग पैन में अधिक तेल डालूंगी ताकि आलू सही से पक जाए। मैं एक ही बार में सब कुछ डाल दूंगी इस तरह से। बहुत बढ़िया, सब कुछ तैयार है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी। और हाँ, सॉस। ओह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे आलू तैयार हैं, लेकिन उनमें रंग की कमी है। और यह क्या है? यह कौन है? मुझे अपना चेहरा साफ करना होगा। वो पूरा काला हो गया। ओह वेंसडे, क्या यह तुम हो? अब तुम क्या करने वाली हो? मैं इसे पेंट करूंगी। अब यह सुंदर है। यम्मी। देखो यह कैसा लग रहा है। मेरे डिश को चख कर बताओ। जल्दी ट्राई करो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? और यह क्या है? मैं इसे सॉस में डुबोती हूँ। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब। ओह, यह भी स्वादिष्ट लग रहा है। यम यम, वाह, बुरा नहीं है। यह बहुत अच्छा था। और हमारे पास यहाँ क्या है? ओह हाँ, कितना स्वादिष्ट है। मैं यह सब खाना चाहती हूँ। ओह, यह फिट नहीं हो रहा है। ओह हाँ, और स्वाद बहुत ही अच्छा था। मुझे यह चाहिए। वहाँ क्या है? एक चीज बर्गर। ओह हाँ, मैं तैयार हूँ। ओह, चिंता मत करो। यहाँ ये बन है। एक फ्राइंग पैन में एक सेकंड तल दिया। अब इस मीट को लेना है। मैं एक कटलेट बनाऊंगी और इसे फ्राइंग पैन में डाल देती हूँ। बस, यह बन गया, एक सुंदर जूसी कटलेट। ऊपर थोड़ा सा चीज की जरूरत है। सलाद, कटलेट और चीज बर्गर सब तैयार है। बन तो बोरिंग होता है, मैं किस चीज से बनाऊं?
ओह यह रहा कैंडी, मुझे तो यही चाहिए, डोनट्स। स्वादिष्ट। मैं एक लेकर इसे काट देती हूँ। यम यम यम। यह हटा दिया और अब मैं ऊपर एक चॉकलेट बार डालूंगी और जेल भी। मुझे यह ट्राई करना है, यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह कितना खट्टा भी है। मैं इसे चॉकलेट पर डालती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा मार्शमेलो। यह कितना सुंदर है। अब इसमें गमी स्ट्रिप्स और स्ट्रॉबेरी सॉस और यह रहा वो डोनट का डोनट। देखो कितना मस्त लग रहा है। मैं एक कटलेट और बन को सेक लूंगी और मैं चीज से दांत बनाऊंगी। ये एक बहुत सुंदर मॉन्स्टर होगा। इसमें पिकल्स की कमी है और थोड़ा लाल रंग। मैं बन में छेद बनाकर उनमें थोड़ा मेयोनेज भर रही हूँ। आंखें कहाँ से लाऊं? हाँ मिल गया। थिंग वो लेकर आओ। कितना डरावना है, मेरी आंखें ले गया। बस मुझे यही चाहिए था। अब मेरी मास्टरपीस पूरी हो गई है। स्वादिष्ट लग रहा है, जरा इसे देखो। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट चीज बर्गर है। देखो मेरा बर्गर तो तुम्हें पुकार रहा है। ओह वे सभी कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं तुरंत खाना शुरू करती हूँ। ओ इसका स्वाद कैसा है? ओह ये बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है? एक साधारण चीज बर्गर। ठीक है मैं चक्कर देखती हूँ। खैर ठीक ही है, कुछ खास नहीं। और यह कितना शानदार बर्गर है, सच में बहुत टेस्टी है। हाँ यह बहुत अच्छा है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? यह वाला, यह जीतता है। ऐसा कैसे? अब अगला टेस्ट में क्या है? अब मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए ऐसा कॉकटेल बनाओ चॉकलेट वाला। यह आसान है। तो वहाँ क्या है, हमें देखने की जरूरत है। मुझे टास्क मंजूर है, मैं अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। वो कहाँ है? मैं और दूध लूंगी। हाँ ज्यादा। और अब कोको। अब मुझे इसे मीठा बनाने के लिए और भी चाहिए। मैं इसे अच्छे से हिलाऊंगी। एक समृद्ध स्वाद के लिए एक सीक्रेट चॉकलेट डालूंगी और फिर से सब कुछ अच्छी तरह मिला दूंगी। मेरा फेवरेट मग इस अद्भुत ड्रिंक के लिए उपयुक्त है। यहाँ यह हो गया है। वो क्या करूँ मैं? ओह स्वादिष्ट चॉकलेट। स्वादिष्ट। हाँ यह मेरे लिए सही है। मुझे चीनी डालना होगा। क्या तुमने बहुत ज्यादा नहीं डाल दिया है? हाँ बिल्कुल सही, हमें अधिक चीनी चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट होगा और ज्यादा। हमें दूध चाहिए। ओह ये नहीं खुल रहा है, हमें इसे खोलना होगा। ओह बेचारी। कभी कभी ऐसा होता है। स्वादिष्ट। तो दूध और थोड़ा डाई। क्या सुंदर रंग है, मुझे गुलाबी बहुत पसंद है। मैं सब कुछ बहुत खूबसूरती से करूंगी। मैं इसके किनारे को डिप करूंगी और थोड़े स्प्रिंकल्स। कूल। अब इसमें कॉकटेल डाल सकते हैं। पूरा नहीं भरना है क्योंकि मैं क्रीम डालना चाहती हूँ। स्वादिष्ट, बहुत सारी क्रीम और अधिक स्वादिष्ट सजावट। एकदम सही। अरे थिंग मुझे इसकी जरूरत है। क्या? यह सिरप जाहिर है लाल। मैं इसमें एक कप डुबोंगी इस तरह से। और हाँ इसे सुंदरता के लिए ऊपर डालना होगा। ऊपर से थोड़ा कॉकटेल और क्रीम। मैं इसे चमगादड़ और एक स्ट्रॉ से सजाऊंगी इस तरह से। यह तैयार है। तैयार? देखो मेरे पास कितना स्वादिष्ट कॉकटेल है। लाजवाब, सब तुम्हारे लिए। मेरे ड्रिंक को चखो। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? यह वाला बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मैं इसे पहले पीना चाहती हूँ। क्रीम, क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। और खुद कॉकटेल के बारे में क्या ख्याल है? बहुत स्वादिष्ट, लाजवाब। और यहाँ क्या है? ओह यह दादी का बनाया हुआ ड्रिंक है, मैं ट्राई करूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। और यह कुछ अजीब है, क्या यह भी कॉकटेल है? यहाँ क्या है? चमगादड़ों को हटाना होगा, वे कितने बुरे हैं। ओह मुझे डर लग रहा है, मैं ट्राई करती हूँ। वाह स्वाद बहुत अच्छा है, कमाल का। और हमारे पास विनर है, यहाँ यह कॉकटेल। चलो कुछ आसान से शुरू करें।
मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से। यह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आह, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गाँव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूची बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ़, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोय सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाराम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है।
इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे ये पता था। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, यह मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं, फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। आह, तुम बिना कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। Awesome! अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा, अच्छा दिख रहा है। Cool! ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सली कुछ रखते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है, तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स, ओह तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या, यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। Okay. मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है?
बीटल्स, मुझे ये पसंद है। मैं इसे फिलिंग के लिए यूज करूँगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा। लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है, केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओ नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओ वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओ वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? ये मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओ वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बोन एपिटीट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे एक केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छे से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक से को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया, कितना सुंदर है। चलो, तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह! और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो, मीठे ट्यूब के साथ। पर कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है?
इस पर यह पत्ता क्यों है? यह अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है, मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, यह अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओहा, मैं जीत गया। रापापा पर कलिनरी चैलेंज शुरू करने का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है, बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और यह, ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ, ये क्या हो रहा है, क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है, मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है। मुझे पता है, डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है, स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो, हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट, या शायद बहन जेन के चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आँखें रुकी नहीं रही है। वाह क्या सुंदर गुलाबी डोनट है, और कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है, मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। यह चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, यह स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ, मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा, रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छे सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है, यह दलिया नहीं है जेन, फाइव स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं, और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है,
तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियाँ काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओ, कितना भयानक! ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आखी और मार्शमेलो डालती हूँ, बस हो गया। ओ, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। ची, कितना बेकार। नहीं, मुझे यह सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल, यह गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ, मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है, इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओ, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं दो अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओ, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कलिनरी जादू बनाने का समय है, और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे यूट्यूब पर देखा है। जेन, सावधान! ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए, कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओ वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। मैं यह जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा, मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूंगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठे और खट्टी गमी कैंडी। ओ, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिज कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए? और सबसे जरूरी सामग्री, यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है, क्या खुशबू है! इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं, और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध, बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कलिनरी मास्टरपीस है, अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है।
हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह मेरी बेटी। खैर सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है। खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था। ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। ये तो आसान है। हाँ हाँ यह हो जाएगा। अच्छी च्वाइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ यह आसान लग रहा है। हाँ। टॉम अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से तल भी रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1 2 3 ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं ओह चिंता मत करो बेटा। चलो मेरे डोनट्स लगभग तैयार है, अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ एक इंसान अपनी आंखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ हाँ बहुत अच्छा, लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। इस तरह से। आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज, इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोस लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया, अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया, पर किसी चीज की कमी है। ओ दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही, अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह और अंदर एक फिलिंग भी है, ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है, चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह ये चीज डोनट है, यह तो कमाल का है। पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ आप जीत गई हैं। हाँ हाँ मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तुम मुझे हरा नहीं सकती। ठीक है मुझे पता है,
लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा, बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा। सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया। थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी। थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट। वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना, यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से। ओह, यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह, मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह, मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई। कितना भयानक है। और वे शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह, यह क्या गड़बड़ है। छी, कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है। पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया, यह फाइनल टच है। दादी, बस यह हो गया। ओह, कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह, कूल सैंडविच। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी, यह क्या है? यो, छी छी छी, क्या गड़बड़ है? ओह नो, यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है। दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा, तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओ कूल। वाह, आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, यह क्या है? ओह, तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहो यंग मैन, ये बहुत आसान है। देखो, एक और दो, बस हो गया। एक और दो, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद। और इसे काट कर डालना है। हाँ, एकदम सही। ओह, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगला और ढेर सारा बटर। सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ओह, ये तामझाम। हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह, आखिर वह कर क्या रही है? मुझे पता नहीं है। अजीब है। एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब। अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो
सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। I've got it. और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। Awesome. हाँ, मैं लगभग भूल गई थी, मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है इस तरह से। अरे ये क्या हो रहा है, सब्जियाँ काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मेरे पास ये कूल गम है, मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। ओके। और यह गमी आइस, और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ, और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो यह तैयार है, यह पूरी तरह से बेस्वाद है। केट, हम तैयार है, चलो देखते हैं, मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? आ, आ, छी, क्या गड़बड़ है, निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ हाँ, सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है, यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे, हाँ, विक्ट्री, ये।